सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए भारतीय डाक विभाग की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं, जिसके तहत यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के, केवल मेरिट के आधार पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन यहां पर लिया जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS। GDS की इस पोस्ट के लिए यहां पर 3262 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। आयु सीमा आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि UR, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं पर SC, ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के, केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है APPost.in। जॉब लोकेशन राजस्थान है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2020 है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ये इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस प्रकार से आप पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल यहाँ से विस्तार पूर्वक रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले पहले कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।